मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक चल रहा था हमारा न्यू रेशो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं चाहता हूं मैं आपके साथ पहले एक बार रिवीजन करा दूं आपको लास्ट क्लास का। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ दो चीजें लाता है। एक तो लाता है कैपिटल, एक वो कैपिटल लाता है प्लस कुछ और भी लाता है। वो लाता है शेयर इन गुडविल। तो दो चीजें लेके आता है, कैपिटल और शेयर इन गुडविल। और शेयर इन गुडविल को हम अकाउंट्स में बोलते हैं, शेयर को बोलते हैं प्रीमियम। शेयर को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल में जो भी शेयर होता है वो अपना शेयर लाता है प्लस क्या लेके आता है, कैपिटल। तो सर उसको मिलता क्या है इन रिटर्न, उसे मिलता क्या है, उसे मिलता है शेयर इन प्रॉफिट। इट मींस जो भी बिजनेस है उसमें प्रॉफिट में उसको भी शेयर होगा, और अगर लॉस हुआ तो भी उसको शेयर देना पड़ेगा। और इसी शेयर की कैलकुलेशन के लिए, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इसी की कैलकुलेशन के लिए हमें ये सीखना होता है हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। अब उसमें हमने आपके साथ लास्ट क्लास में चार केसेस सीखे थे। केस नंबर 1 फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। केस नंबर 1 को बोलते हैं साइलेंट केस। दोस्तों साइलेंट केस में कोई नहीं बोलता। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पार्टनर हैं वी और जी, इनके पास थे 100 रुपए, इनके पास थे 50 रुपए। नया पार्टनर आया एस, एस को चाहिए 30 रुपीज प्रॉफिट के अंदर। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, शेयर इन प्रॉफिट। तो 30 रुपीज चाहिए। ना वी बोल रहा है, ना जी बोल रहा है, ना एस बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसका लूंगा, बिल्कुल डोंट वरी। कोई नहीं बोलता तो ये अपने आप इम्प्लाइड होता है कि जो इनकी पुरानी रेशो है, दोस्तों जो पुरानी रेशो है, पुरानी रेशो को ध्यान से देखोगे तो ये रेशो निकल के आ रही है 2:1। इसी रेशो में आप इनको पैसा दोगे। इट मींस वी पता है कितने पैसे देगा, वी देगा 20 रुपीज माइनस, जी कितना देगा, जी देगा 10 रुपीज। तो फाइनली फाइनली वी के पास बचेंगे 80 रुपीज, जी के पास बचेंगे 40 रुपीज, और एस के पास कितने बचेंगे, 30 रुपीज। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो आपको माइनस करना पड़ता है। केस नंबर 2, अभी दोबारा से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। केस नंबर 2 में हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे, हम आइडेंटिफाई ऐसे करते थे कि फॉर एग्जांपल ये दो पार्टनर हैं वी और जी, 100 रुपीज और 50 रुपीज। बेटा एक मिनट का जरा पॉज। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि केस 2 के अंदर ये दो पार्टनर हैं वी और जी, नया पार्टनर है एस, एस को चाहिए 30 रुपीज। केस 2 का आइडेंटिफिकेशन ये होता था, इसके अंदर बोलता कौन था, इसके अंदर बोलता था नया पार्टनर। पहली बात तो ये आइडेंटिफिकेशन है, पेपर में कैसे पता चलेगा कौन बोलेगा, नया पार्टनर, और वो थोड़ा सा कम बोलेगा। कम बोलने का मतलब ये है, एस बोलेगा एस टेक्स हिज एंटायर शेयर फ्रॉम जी,
एस अपना शेयर सारा का सारा किससे लेगा, जी से लेगा। इसका मतलब बोल कौन रहा है, नया पार्टनर बोल रहा है और कम बोल रहा है, मतलब कहता है मैं सिर्फ एक से लूंगा। अगर एक ही पार्टनर से लेंगे तो वी में से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, मगर जी को कितना पैसा देना पड़ेगा, जी को देना पड़ेगा 30 रुपीज। किसको देना पड़ेगा, एस को। और फाइनली फाइनली न्यू रेशो, बी के पास पूरे के पूरे 100 रुपए हैं, जी के पास बचे 20 रुपए और नए पार्टनर के पास बचे 30 रुपए। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। तो ये हमने केस सीख लिया, केस नंबर 2। केस नंबर 3 में क्या था, और फिर करते हैं हम क्वेश्चन आगे। केस नंबर 3 में हमने सीखा था आइडेंटिफिकेशन क्या थी इसकी, बोलेगा कौन। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए सर, बोलेगा कौन, बोलेगा तो न्यू पार्टनर, और कम नहीं ज्यादा बोलेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई सर, कम नहीं तो ज्यादा बोलेगा। ज्यादा बोलने का मतलब होता है दोनों से कुछ ना कुछ मांगेगा। 100 रुपए, 50 रुपए, नया पार्टनर है एस, मांग रहा है 30 रुपए, और नीचे लिखा है एस टेक्स 18 रुपीज फ्रॉम वी एंड 12 रुपीज फ्रॉम जी। इसका मतलब दोनों से मांग रहा है, ज्यादा बोल रहा है। अब देखते हैं न्यू रेशो कैसे निकलेगी। V में से आप 18 रुपए माइनस करेंगे और G में से आप 12 रुपए माइनस करेंगे और फाइनली आ जाएगी आपकी न्यू रेशो। तो न्यू रेशो आ गई 82, 100 में से 18 गए 82, 50 में से 12 गए तो आया कितना, आया 38, और S को कितना मिलेगा। तो ये था केस 3, और उसके बाद मैंने आपसे केस 4 भी डिस्कस किया था, बट मैं चाहता हूं पहले मैं आपको इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दूं, और आज की क्लास में मैं आपके साथ एक शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, वो आपको बड़ी हेल्प करेगा आपके एमसीक्यूज के अंदर। चलिए पहले आराम से समझते हैं, केस नंबर 1 समझते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, चलिए अब अपनी क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं। केस नंबर 1, एक्स एंड वाई, बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनकी रेशियो है 2:1। कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट न्यू पार्टनर जेड, इन्होंने जेड को बुला लिया, एक नया पार्टनर है जेड। To whom they give 1/6 share in profit, Z को मिलेगा 1/6 share, 1/6 share profit मिलेगा। Question silent है, question में और कुछ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, question में silent है एकदम, यानी सर केस नंबर 1 है। ये नहीं पता लग रहा कि Z को 1/6 कौन देगा, तो इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड साइलेंट केस। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे पहले इसको। देखो पहले मैं आराम से आपको बताता हूं, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म, बेटा फर्म का टोटल शेयर हमने मान लिया 1। आराम से पहले समझेंगे फिर मैं डाउट्स लेंगे। फर्म का टोटल शेयर कितना मान लिया, 1। फिर हमने देखा जेड का कितना शेयर है, जेड का शेयर है 1/6। फिर हमने निकाला रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर आफ्टर आफ्टर जेड शेयर, यानी जेड को देने के बाद आपके पास कितना बचा। टोटल था 1,
उसमें से हमने माइनस कर दिया 1/6, तो कितना बचा? हमारे पास बचा 5/6। सुनना जरा ध्यान से बेटा, इस 1 के अंदर कौन कौन है? ये 1 किसका है? फर्म का। फर्म में पता है कौन है? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीनों का है। ये किसका है? ये है जेड का। इन तीनों में से अगर मैं जेड को देख हटा दूं तो ये बताओ, ये 5/6 किस किस का बचा ये बता दो। बेटा तीनों में से मैंने जेड को हटा दिया तो ये 5/6 किसका बचा? एक्स और वाई का। ये बचा एक्स और वाई का। और अब एक्स और वाई से बांट लेंगे, एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर, देखना कैसे बांटेंगे। 5/6 ये कौन कौन बांट लेंगे? एक्स और वाई बांट लेंगे, वाई का न्यू शेयर। और मैंने आपको बताया था ये दोनों बांट लेंगे किस रेशो में दोस्तों? ओल्ड रेशो में। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम पुरानी रेशो में बांट लेते हैं, तो मैं आपको बांट के दिखाता हूं। ये बांट लेगा 2/3, वेरी गुड नमन। ये बांट लेगा 1/3, खत्म हो गई कहानी। जरा चेक करें, इन्होंने बांट लिया पुरानी रेशो में, 5 2 10, 6 3 18, 5 1 5, 6 3 18। अब सर लास्ट में एक और भी पार्टनर है, कुछ बच्चे उसका निकालना भूल जाते हैं। बेटा न्यू शेयर निकाल रहे हो, न्यू के अंदर अब तीनों लोग आएंगे, जेड भी आएगा। और आपको पता है जेड का शेयर कितना था? जेड का शेयर था 1/6। मैंने आपको हमेशा बताया है ऑलवेज डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। यहां भी 18 है, यहां भी 18 है, क्या करूं जो नीचे 18 आ जाए? क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। ऐसा क्यों करा? बिकॉज मुझे नीचे क्या लाना था? 18। तो फाइनली आंसर एक्स वाई जेड, फाइनली आंसर आ गया 10:5:3। ये कौन सी रेशो निकाल दी आपने? न्यू रेशो निकाल। दोस्तों मैंने चेक करा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आप मुझे लगे 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड्स। मैं अभी आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें सिर्फ 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा था, अभी आप लॉन्ग कट समझे, मैं आपको एक शॉर्टकट समझाऊंगा जिससे एमसीक्यू का आंसर 1 मिनट 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा। सर ये क्या समझाया आपने? आइए जरा बेटा, मैंने डायरेक्ट जो बचा हुआ था वही निकाला था साहिल, मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं किया, मैंने सीधा निकाल दिया, डायरेक्ट माइनस कर दिया था पहले। मैं आपके क्वेश्चन को यहां पे एक बार लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखते हैं साहिल हमने प्लस माइनस क्यों नहीं करा। दो पार्टनर्स हैं एल और एम, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। ये कौन सी रेशियो हो गई? ये हो गई इनकी ओल्ड रेशियो। दे एडमिट एन एज अ न्यू पार्टनर, 20 पैसा इन अ रूपी। मैंने आपको बताया था 20 पैसा इन अ रूपी, 20 पैसे का मतलब होता है 20/100, और इसको अगर छोटा करा तो ये आ गया 1/5। तो लैंग्वेज समझे, एन का शेयर है 20 पैसा, 20 पैसे का मतलब होता है 1/5, ये एन का शेयर है। क्वेश्चन खत्म दोस्तों, क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब साफ पता लग गया आपको कौन सा केस है, साइलेंट केस है, साइलेंट केस है। ये भी आपको पता लग गया इसके अंदर कि सर इसमें कुछ नहीं पता साइलेंट केस में। अब जल्दी जल्दी करते हैं, लेट लेट द
लेट द टोटल शेयर. दोस्तों अभी शॉर्टकट डिस्कस करना है, डोंट वरी. लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म, टोटल शेयर हमने मान लिया वन. अब सीधा निकालते हैं रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर एन शेयर. एन को देने के बाद टोटल था वन, वन में से मैंने दे दिया एन को. एन को कितना दे दिया? वन बाई फाइव. बेटा मैंने माइनस कर दिया साहिल, दे दिया वन में से दे दिया ऑलरेडी, तो बचा कितना? मेरे पास बचा फोर बाई फाइव. और आपको पता है ये कौन कौन बांट लेंगे? ये बांट लेंगे एल और एम. तो मैंने दे दिया, मैंने माइनस करके खत्म कर दिया. एल और एम बांट लेंगे. जरा चेक करते हैं, एल का न्यू शेयर कितना बचा है? बचा है फोर बाई फाइव. एल के बाद है एम, एम न्यू शेयर फोर बाई फाइव. ये दोनों बांट लेंगे. किस रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशियो में. सेवन बाई टेन, थ्री बाई टेन. और सर लास्ट में कौन बचा? लास्ट में बचा हमारे पास न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर का शेयर कितना था? वन बाई फाइव. चलिए जरा एक बार देखते हैं कितना कितना आ रहा है. सेवन फोर जा ट्वेंटी एट अपॉन में फिफ्टी, ट्वेल्व अपॉन में फिफ्टी. किससे मल्टीप्लाई करूं जो फिफ्टी आ जाए? बेटा किससे मल्टीप्लाई करूं जो 50 आ जाए? 10 से. आशीष लोहिया का आंसर आ गया. तो अब डिनोमिनेटर सेम है. तो फाइनली एल एम एन 28 12 10, ये क्या आ गई? ये आ गई न्यू रेशियो. बेटा आप चाहें तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं. टू से कट कर दीजिए. टू फाइव जा टू सिक्स जा टू फोर्टीन जा, दोनों आंसर सही हैं. दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो. ये आ गई न्यू रेशियो. अब बड़े सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे मुझे, पहले मैं बताता हूं आप सबके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा. सुनना जरा पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा, और अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए. सर हमने मैथ्स में पढ़ा था कि जब भी लेट करते हैं तो या तो लेट एक्स करते हैं या लेट वाई करते हैं या सम टाइम्स लेट हंड्रेड करते हैं. आपने ये वन क्यों लेट करा है? आपने ये वन क्यों लेट करा है? और यही क्वेश्चन मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा था चार साल पहले. मैंने कहा जाओ अपने स्कूल में पूछ के आना. स्कूल के टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि मैथ्स में तो हम एक्स लेट करते हैं, हंड्रेड करते हैं, यहाँ पे वन क्यों लेट करा? तो मैं आपको बता देता हूं, नाम नहीं लेंगे स्कूल का. वन क्यों लिखा? हाँ, उस स्कूल का आंसर पता है क्या था? कह रहे सबका मालिक एक. बेटा आंसर पे जरा जोर डालें, सबका मालिक एक. साईं बाबा के वो भक्त हैं और उन्होंने कहा सबका मालिक एक, इसलिए हम इसको एक मान लेते हैं. बट क्या आपको ऐसा लगता है कि सबका मालिक एक है इसलिए एक माना जाता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप सब बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि सबका मालिक एक इसलिए एक मानते हैं? जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा. कनिष्का, आशीष लोहिया, जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे. बिल्कुल ऑफकोर्स सर, ये रीजन नहीं होगा. दो तीन बच्चों ने मुझे करेक्ट रीजन बता भी दिया है, ये रीजन तो नहीं है. रीजन क्या है अभी हम आपको रीजन बताते हैं. पहले इस बात को जरा खत्म करते हैं, उसके लिए हम आते हैं आपके साथ. ये लो, दो बच्चों ने आंसर दे दिया, एक प्रीत अरोड़ा का आंसर आ गया. सर यहां लिखा है टोटल शेयर, अगर आप इनको टोटल करते हैं, एक्स और वाई को टोटल करो जरा. ये आ रहा है टू बाई थ्री. बेटा टोटल करना है बस, टू बाई थ्री. वाई का टोटल, वाई का कितना आ रहा है? वन बाई थ्री.
अगर आप इनको टोटल करते हैं तो ये आता है 3/3, फाइनली आंसर क्या आ जाता है 1। तो दोस्तों इसलिए सबका मालिक एक, ये रीजन है। अगर आप यही चीज नीचे करना चाहें, यहां भी आप चेक कर सकते हैं, मैं जरा टोटल करूं, ये आ रहा है 10/18 प्लस 5/18 प्लस 3/18। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो ये भी आ रहा है 18/18, हेंस सबका मालिक एक। तो आपको पता चल गया सर एक क्यों मानते हैं, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। तो वन माना, वन में से हमने सबसे पहले किसको दे दिया, जेड को दे दिया, जो बच गया वो पार्टनर्स ने बांट लिया, किस रेशियो में बांट लिया, ओल्ड रेशियो। अब मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं एक्स और वाई की, दोस्तों ओल्ड रेशियो कितनी थी, ओल्ड रेशियो थी 2:1। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कुछ आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं और उसके बाद एमसीक्यूज एक मिनट में खत्म, फिर मैं बात करता हूं न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो भी आपने निकाली थी 10/5/3, ये है न्यू रेशियो, और आपको हम बोल रहे हैं कैलकुलेट कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा आज डिटेल में पढ़ लो, आज के बाद फिर हमेशा शॉर्टकट तरीके यूज करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलिए जरा आराम से करते हैं एक्स वाई और जेड, और बहुत ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। ओल्ड रेशियो 2/3, 1/3, ये तो था ही नहीं बेटा, जेड था ही नहीं ओल्ड के अंदर, माइनस न्यू रेशियो 10/18। हाँ कुछ बच्चों ने स्कूल में पढ़ लिया है, वेरी गुड, 3/18। जरा सॉल्व करते हैं, पहले तो सबसे पहले ये चीज सीख लें आप हमेशा, बेटा ध्यान से देखो, नए पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव का मतलब होता है गेन। तो आज के बाद आप हमेशा याद रखना, न्यू पार्टनर को, जो भी नया पार्टनर है उसको हमेशा ही क्या होगा, फायदा होगा। सोचो दोस्तों, अगर उससे फायदा नहीं होगा तो क्या वो आपके बिजनेस में आएगा, ये क्लियर होना चाहिए आपको। नए पार्टनर को फायदा दिख रहा है तभी तो आपके बिजनेस में आएगा। तो आज के बाद हम कभी इसको निकालेंगे नहीं, हमेशा याद रखना न्यू पार्टनर को क्या होता है, गेन। शॉर्टकट मारेंगे ऑलवेज, वेरी गुड प्रीत। यहां देखते हैं, यहां कितना एलसीएम आ रहा है, 18 आ रहा है, 12-2 2/18, इसका मतलब इसे क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। यहां देखते हैं, यहां पे आ रहा है 1/18, इसका मतलब इसे भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो एक बात तो क्लियर, नए पार्टनर को हमेशा ही गेन होगा, इसलिए आज के बाद कभी भी इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, पुरानों को सेक्रीफाइस हो रहा है। और अगर आप मेरे से पूछें कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरा बताना एक्स और वाई की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो मैं बोलूंगा एक्स को हो रहा है 2 रुपीज, वाई को हो रहा है 1 रुपीज, ये कौन सी रेशियो है, सेक्रीफाइस। और कुछ बच्चे ध्यान से अब शॉर्टकट लगा सकते हैं, व्हेनेवर केस इज साइलेंट, यानी जब भी फर्स्ट केस होगा, दोस्तों चेक करो ओल्ड रेशियो किसके बराबर आएगी, ऑलवेज रिमेंबर इन फर्स्ट केस ओल्ड रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। तो इस स्टार को आपने हमेशा याद रखना है, और ये स्टार कब लगेगा, जब केस होता है साइलेंट, इसका मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो किसके बराबर होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, खत्म कहानी। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट बता दिया, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ध्यान से जरा न्यू रेशियो का शॉर्टकट सीखते हैं। चलिए वापस आते हैं जरा
मैंने आपको कहा था 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बेटा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये वाला शॉर्टकट आप किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप सॉल्व करेंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे, किसी से डिस्कस मत करना, बिकॉज ये शॉर्टकट आप सबके लिए है। हाँ बस मन मन मुस्कुराना है, लोग टाइम लगा रहे हैं 120 सेकंड, आप 2 सेकंड में आंसर देंगे, जरा ध्यान से। दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, और ये भी बता दिया हाउ टू सॉल्व इन 2 सेकंड्स। हाँ जी, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, बस अब लॉजिक नहीं पूछना कि सर लॉजिक क्या है, क्या करा, क्या जुगाड़ करा, ये शॉर्टकट दोस्तों शॉर्टकट होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला किसी और को ना पता चले, इसलिए हमने क्या करा लिया है, अपने नाम पे पेटेंट्स करा लिया है, यानी मेरे नाम पे ये फॉर्मूला हमने क्या करा दिया है, पेटेंट करा दिया है। तो अगर आप किसी को बताएंगे भी तो वो यूज नहीं कर सकता, बट वो नाम नहीं ले सकता। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंशन, ये पेटेंट है मैथ्स का फॉर्मूला, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से। बट ये रेशो कहाँ अप्लाई करेंगे, सिर्फ साइलेंट केस, हर केस में नहीं होगा बेटा, हर केस में मैं कुछ और तरीके बताऊंगा आपको शॉर्टकट के, अभी सिर्फ इस शॉर्टकट को समझे। तो क्लास को और आगे लेके चलते हैं। अच्छा पहले एक बात ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को शॉर्टकट समझ आया है? 32 पार्टिसिपेंट्स है बेटा, एक बार फटाफट जरा जोश में, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों के मैसेज आए हैं, बाकी कुछ बच्चे सदमे में हैं, ये हुआ क्या है? यश का आंसर, प्रीत, कनिष्का, कनिष्का साइलेंट केस में लगेगा, काश्वी का, यस, हिमांशी, मान्या, जल्दी जल्दी बेटा एवरीवन, दिस शॉर्टकट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हार्दिक कत्याल का कोई डाउट आया है बेटा? बाकी सब बच्चे मुझे जल्दी जल्दी बताएं। लास्ट में 10 वाला नहीं आया, चलिए बेटा हार्दिक कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको प्लस करना है, 7 और 3 जो ओल्ड रेशो होती है वो यहां पे लिख दो, खत्म। और मैं आपको हर उसके कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएं जल्दी जल्दी। तो अभी हमने सिर्फ इसका शॉर्टकट करा है, अभी हम आगे और शॉर्टकट करेंगे, बट अब हम आगे चलते हैं। हमेशा याद रखेंगे आप सब बच्चे, जब भी केस नंबर 1 होता है, ओल्ड रेशो किसके बराबर होगी? ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा एन की रेशो में समझना नहीं था, सिर्फ प्लस करना है, 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, समझाना नहीं है मुझे, यहाँ पे प्लस करो, 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। और अगर अभी भी आपको बच्चों को डाउट है, लो फिर एक क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सब बच्चे मुझे 1 मिनट में उसका आंसर बताएंगे, मैं जरा बुक ओपन करता हूं। बेटा चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा है, 3 पार्टनर्स हैं, राज, राम और रमेश। मैं लिख देता हूं बेटा, आपने आंसर देना है, इनकी रेशो है 5:3:2, ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। अब एक नया पार्टनर आया है सुरेश, सुरेश का शेयर है 1/5, बस हो जाओ स्टार्ट, बताओ जरा आंसर, न्यू रेशो कितनी आएगी? बेटा साहिल क्वात्रा फटाफट आंसर बताओ, न्यू रेशो, लो मैं यहां लिख देता हूं, 5, 3 और 2, 10, हार्दिक कत्याल, अभिषेक जैन, वासु सोनी, 5, 3, 2, 10, ये तो आ गया 10, बाकी बताएं जल्दी से, बताएं मेरे से पहले, बेटा मेरे से पहले बताएं, वेरी गुड युक्ति, युक्ति छोटी सी मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में, आशीष लोहिया, बेटा हिमांशी चारों पार्टनर्स लिखने हैं, चारों, एस एस बच्चे खा गए हैं, आस्था का आंसर बिल्कुल सही आया,
आज तक गगर बेटा एस भी लिखना है, एस एस बच्चे खा जाते हैं, कह रहे हैं इतनी जल्दी सर शॉर्टकट है हम भूल जाते हैं एस लिखना। बेटा अगर ऐसे शॉर्टकट लगाओगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे अगर एस लिखना भूल गए, तो सबसे पहले एस लिखो, खत्म क्वेश्चन। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, होप बच्चों को आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और आगे, हमने आपके साथ एक बेसिक डिस्कशन कर लिया, अब मैं चलता हूं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 जरा समझें क्या लिखा है। वेरी गुड शायना, केस नंबर 4 समझें आप, पहले मैं लॉजिक समझाऊंगा फिर मैं आपको रटवा दूंगा स्कूल के तरीके से, तो पहले लॉजिक पे ध्यान देते हैं। पहली बात, केस नंबर 4 के अंदर दोस्तों नए पार्टनर को आप क्या बोल देते हो, आप बोल देते हो शट योर माउथ, शट अप बोल देते हो, खत्म। बेटा न्यू पार्टनर तो कुछ बोलेगा नहीं, चुप करा दिया है, तो बोलेगा कौन, बोलेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे जरा ध्यान से देखते हैं, ये दो पार्टनर है एक्स और वाई, इसके पास है 100 रुपए, इसके पास है 50 रुपए। नया पार्टनर आता है जेड, जेड को चाहिए 40 रुपए। बेटा जेड को 40 रुपए चाहिए, जेड को कहा तुम तो चुप रहोगे, तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, बोलेगा कौन, एक्स और वाई। अब एक्स क्या बोल रहा है, लैंग्वेज सुने ध्यान से, एक्स गिव्स, एक्स गिव्स, इसको ऐसे करता हूं, एक्स गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू जेड। बेटा इस लैंग्वेज को समझें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस लैंग्वेज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश है, फिर मैं रटवा भी दूंगा आपको। X gives 1/5 of his share to Z. अगर आप बोलते हैं सर X के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 1/5 माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों ये गलत ट्रीटमेंट है, ये गलत ट्रीटमेंट है। 100 रुपए का 1/5 निकालना पड़ेगा आपको, यानी सर ये ट्रीटमेंट तो गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 100 रुपए का 1/5 निकालना पड़ेगा। 100 रुपए का 1/5 होता है 20 रुपए। इसका मतलब इन शॉर्ट एक्स पता है क्या बोल रहा है, एक्स कहता है कि मैं आपको 20 रुपए दूंगा, किसको दूंगा, जेड को। तो 1/5 का मतलब क्या निकला, 20 रुपए, तो 20 रुपए देगा। और उसके बाद अगर अब मैं करूं एक्स का न्यू शेयर, अगर एक्स का न्यू शेयर निकालू तो पहले थे 100 रुपए, कितने रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, तो फाइनली कितने बचे, 80 रुपीज। तो ये ट्रीटमेंट करना गलत है, बच्चे ये कर देते हैं। हाँ अब मैं स्कूल के तरीके से रटवाऊंगा, एलपीएस वाले बच्चों ने पहले ही बता दिया कि सर हमने स्कूल में रट लिया है। अब रटने वाला तरीका, रटने वाला तरीका क्या है, कहते हैं कभी भी ऑफ हिज शेयर लिखा हो, बेटा रट ले, रटने वाले बच्चे ध्यान दे, कभी भी ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई। चेक करो मैंने भी पहले क्या करा है, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, फिर आप करेंगे माइनस, चेक करो मैंने भी क्या करा है, माइनस। तो आपको याद कर सकते हो, आप रट भी सकते हो, लॉजिकली भी समझ सकते हो कि सर क्यों मल्टीप्लाई क्यों माइनस, ऑफिस शेयर में पहले आपको शेयर निकालना पड़ेगा फिर आप माइनस करेंगे। तो ये होता है केस नंबर 4। अब आगे लिखा है वाई, एक्स ने तो बोल दिया, अब वाई क्या बोलेगा, वाई गिव्स, टोटल इसे कितने मिलने थे, 40 रुपए मिलने थे, 20 रुपए तो एक्स ने दे दिए, तो वाई बोलता है वाई गिव्स रुपीज 20। अब ऐसे नहीं बोलेगा,
वाई गिव्स बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना बचा दोस्तों, बैलेंस 20 ही बचा, बट 20 डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वाई गिव्स बैलेंस टू जेड। अब आप सबको पता है बैलेंस बचा कितना, बैलेंस बचा दोस्तों 20 रुपीज, तो सीधा आप क्या करोगे, वाई का सीधा न्यू शेयर निकाल देना। और कैसे निकालेंगे सर, पहले था 50 रुपए, वो भी कितने देगा, वो भी देगा 20 रुपए, तो फाइनली इसके पास कितने बचेंगे, 30 रुपीज। तो ये था आपका एक्स का शेयर, ये था वाई का शेयर, और अब मैं निकाल देता हूं जेड का शेयर, जेड न्यू शेयर। 20 रुपए एक्स ने दिए, 20 रुपए वाई ने दिए, 40 रुपए। तो आपको ये वर्ड समझ आना चाहिए मैंने यहाँ बैलेंस क्यों लिखा, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, इतना आसान नहीं आएगा पेपर, तो ऑफिस शेयर का मतलब समझे। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आपको उसका भी शॉर्टकट बताएंगे, डोंट वरी। पहले एक जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। बेटा स्कूल का तरीका मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि उस तरीके से भी कुछ बच्चों को बेनिफिट मिलता है, तो हमारा सोल पर्पस यह है कि आप सब बच्चों को बेनिफिट मिले। और देखो स्कूल का तरीका था कि सर अगर ऑफिस शेयर लिखा है तो पता लग जाता है केस नंबर 4 है। यहाँ देखो यहाँ भी क्या लिखा है, ऑफिस शेयर, और ऑफिस शेयर के अंदर पहले आप क्या करते हो, पहले मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद क्या करते हो, माइनस। चलिए अब जरा पढ़ के देखते हैं इसमें करना क्या है। केस क्वेश्चन नंबर 8, केस नंबर 4। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 7:3। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 7:3, कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, दोस्तों सी को बुलाया मगर सी का शेयर ही नहीं पता, सी का शेयर ही नहीं पता इसलिए बोलेगा कहां से, सी का शेयर आपको निकालना है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ए, कौन बोल रहा है, पुराने पार्टनर्स, याद रखना पुराने पार्टनर। ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, ए कहता है मैं 1/7 दूंगा अपने शेयर का। ध्यान से देखो ए क्या देगा, ए ए देगा सी को 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 देगा। ये हिज कौन है बेटा, ये बता दो ये हिस कौन है, ये ए है या सी है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाफट, ये हिस कौन है, ये ए है या सी है, जल्दी से। कुछ बच्चे समझदार हैं, कह रहे हैं सर ये ना ए है ना सी है, ये बी है, नलायक बच्चे। बेटा कौन है ये, ए है ये, ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिस शेयर, अपना शेयर। ए का शेयर था कितने का, चेक करें आप, ए का शेयर है 7/10, तो फाइनली वो कितना दे देगा, वो दे देगा 1/10। पहले आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए का न्यू शेयर। चलिए पहले कितना था, 7/10, माइनस कितना दे दिया, 1/10 दे दिया, तो बचा कितना, 6/10। वेरी गुड आस्था गगर। अब चलते हैं बी के बारे में, बी कितना देगा सी को, चलिए बी 1/3, बी दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब बी कह रहा है मैं 1/3 दूंगा मगर अपना शेयर। बी का अपना शेयर है कितना, बी का अपना शेयर है 3/10, जल्दी बताइए ये भी कितना दे रहा है, ये भी दे रहा है 1/10। अब कैलकुलेट करते हैं बी का न्यू शेयर, दोस्तों इसके पूरे एमसीक्यूज आने के चांस हैं। मैं धीरे धीरे करके थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले था 3/10 माइनस 1/10, कितना बचा,
टू बाई टेन, खत्म। अब बच्चे मेरे से कहते हैं सर ये बताओ सी का शेयर कैसे निकालोगे, और मैंने आपको हमेशा बताया है जो ये माइनस करते हैं, जो भी ये माइनस करते हैं वो सी क्या कर लेता है दोस्तों, सी को मिल रहा है तो सी क्या कर लेता है, वो प्लस कर लेता है। जो भी आप माइनस करते हो तो सी क्या करता है, उसे प्लस कर लेता है। वेरी गुड। तो फाइनली सर सी का शेयर आ गया 2/10। तो जरा चेक करें न्यू रेशो कितनी आई, न्यू रेशो आ गई ए बी सी, क्या रेशो आ गई, 6:2:2। ये कौन सी रेशो है, न्यू रेशो बेटा, ये वेरी गुड। इसको छोटा कर लो, बच्चे कह रहे हैं सर छोटा करते हैं, तो इसको छोटा करने से क्या आ जाएगा, 3:1:1। बोथ आंसर्स आर करेक्ट एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, तो डोंट वरी, ऊपर वाला भी ठीक है नीचे वाला भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए को कितना नुकसान हो गया बेटा, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे ए को कितना नुकसान हुआ, जल्दी से बताइए ए को नुकसान कितना हुआ है, पता है ए को कितना नुकसान हुआ है, ए को नुकसान हुआ है 1/10 का। दिमाग लगाएं, बस दिमाग लगाएंगे तो सारे शॉर्टकट्स अपने आप समझ आएंगे। बी को भी कितना नुकसान हुआ है, माइनस का मतलब सर इनमें नुकसान हो रहा है, इसको बी को भी कितना नुकसान हुआ है 1/10। और नुकसान को आप सब बच्चे जानते हैं, नुकसान को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। दोस्तों निकालने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइस आपने वैसे ही निकाल दिया। देखो जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, 1:1। इसको भी 1 का नुकसान हो रहा है, इसे भी 1 का नुकसान हो रहा है। तो यहां से आप चाहें तो एक शॉर्टकट ड्राइव कर सकते हैं कि सर माइनस का मतलब होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बुक से होमवर्क में दूंगा अभी क्लास के बाद, और हम आगे चलेंगे, पहले डाउट्स लेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, और आपके साथ कुछ और भी केस डिस्कस करने हैं मुझे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास के लिए, टेक केयर एवरीवन।